नमस्कार न्यूज रूम लाइव को स्वागत करुछि मु निवेदिता। वर्षा विपद जे आपण जानिछंती जो बात्या अशानी को नै भय आशंका रे राज्यवासी रहिथिले। जो आश्वस्तिकर खबर आसिला बात्या विपद जदियो टळिछि, बात्या जदियो समुद्र मध्ये रिकवर करिजिव, ये जो विपद आशंका करा जाउतला कम से कम सेतिकी जदियो नाही, किंतु वर्षा बढ़िब अर्थात वर्षार परिमाण अधिका रहिब। जो कथा कह जाउछि 10 तारीख रु 12 तारीख अर्थात एई दुई दिन धरी वर्षा अधिक मात्रा रे अनुभूत हेब, विशेषकर उपकूलवर्ती जिला गुड़ी करे। तेणु जो विभाग पाणीपाग विभाग पक्षर आकलन करा जाउछि 10 तारीख रे विशेषकर तीनोटी जिला अर्थात गंजाम गजपति एवं पूरी जिला पाए विशेष करी विपद रही, अर्थात वर्षार परिमाण अधिक रहिबो, पवन मध्य हबो, जोति पाए चाष मध्य प्रभावित होई पारे एवं याकुने मध्य चासी भाई ठारु आरंभ करी साधारण लोकों मध्य भय रहउछि। सबु भितरे वर्षा जो दुई दिन धरी रहिबो जोति पाए समुद्र को मध्य नजिबा को मत्स्यजीवी को बारण करा दैछि 9 रु 11 तारीख पर्यंत। एवं जहां अपडेट रहिछि मु टिके जणाइबा को चाहिबी, हम प्रतिनिधि कविता स्वयं मध्य विस्तृत भावे ताजा अपडेट देबे। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर गभीर अवपातर रूप नहीं सारी बात्या अशानी, बात्यार ना जा अशनी रही संध्या सुधा यह भीषण बात्यार परिणत हो। जो बात्या ना मुझे कहती अशानी, बात्यार ना रही अशानी, ये किंतु ओडिशा उपकूल छुई न पारे जहाँ पाणीपाग विभाग आकलन, ये बाबद आम विभिन्न स्थानों आलोचना करवा, विभिन्न स्थान आम प्रतिनिधि मैंने अच्छा जे लोकों मध्य बात्या को नहीं एवं विशेषकर बात्या विपद जो टूँ जो वर्षा लागि रहिब दुई दिन धरी जो वर्षार परिमाण अधिक रहिब एक आकलन रही। तेणु ता पूर्वर प्रस्तुति कौन करी भाई मैंने केते प्रस्तुत अच्छा लोकों रिएक्शन कौन आम विभिन्न स्थान आपको सुनाइबू, किंतु वर्तमान समय पाणीपाग विभाग पक्षर ताजा सूचना कौन रही संभाव्य बात्या को नहीं एवं जो वर्षा कथा कहुच्छे से नहीं। आम रिपोर्टर कविता स्वयं आम सहित जोड़ कविता बर्तमान ताजा अपडेट कौन देवाक चाहिए। बात्या विपद जदिओ टी दुई दिन धरी प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हे, पवन मध्य हो पारे, ताजा सूचना कौन रही आपण पाखे कविता? निहाती भाव निवेदिता जदि कह जो दक्षिण पूर्व बंगोपसगर जो रही वर्तमान बात्या आसानी ताहा बल गोटाऊ भयंकर रूप नौ समुद्र भतरे कहीपर एस जदि कह जहाँ आज संध्या सुधा गोटे भीषण बात्यार रूप नेब यो बात्या आसानी रही सहित तो जदि कह कि आसंता जो 10 तारीख सुधा ओडिशा उपकूल एवं आंध्र उपकूल दे अतिक्रम कर प्रभाव रे जो बात्या लैंडफॉल करिबो नै सत किंतु रिकर्व करिबो जहाँ कहा जहाँ आकलन वर्तमान पाणीपाग विभाग पक्षर कर जदि कह वर्तमान बात्या जहाँ रही पुरी ठारु दक्षिण दक्षिण पूर्व दिगरे 960 किलोमीटर दूर से रही विशाखापाट्टनम ठारु रही 900 किलोमीटर दूर से दक्षिण पूर्व दिगरे एतेस जदि कह 6 घंटा प्रति बेग जहाँ रही 13 किलोमीटर बेगर आगक बढ़ुच्च बल गोटाऊ समुद्र मध्य आम कहीपर वर्षा कथा दुई दिन जो 10 तारीख 11 तारीख एवं 12 तारीख तीन दिन जो रोचे यही तीन दिन विशेष भाव में प्रभावित होब उपकूल ओडिशा 11टी जिला विशेषकर प्रभावित होबोली जहाँ आंचलिक पाणीपाग विभाग निर्देशक एचआर विश्वास रही जहाँ आज सूचना देखते 10 तारीख 3टी जिला 11 तारीख 5टी जिला एवं 12 तारीख 5टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर सब जिला गुड़िका कही रखा को चाहिए 10 तारीख 3टी जिला जो रही पूरी गंजाम एवं गजपति 11 तारीख जो 5टी जिला रही से जिला गुड़िका गंजाम पूरी खोर्धा कटक एवं जगतसिंहपुर 12 तारीख से किसी जिलार वर्षार प्रभाव देखा मिले से सब जिला गुड़िका कटक पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर भद्रक ता सहित भीषण जितेबले आज सन्धार जितेबले भीषण झड़ रूप नेब तापर पवन रो बेग बढ़िबो बोली जहाँ आकलन करते पवन रो बेग कौन रहिबो जितेबले ता समुद्र मुहाँ हेब उपकूल मुहाँ हेब सेतेबले बेग कौन रहिबो एबे कौन बेग रही जदि कह प्रबल वर्षा सह घंटा प्रति बेग रहिबो 105 रु 115 एवं झटका पवन 125 रहिबो बोली जहाँ आकलन कर उपकूल ओडिशा रे 50 रु 60 किलोमीटर एवं जो झटका पवन 80 रहिबो बोली जहाँ आकलन कर पोर्ट वार्निंग दि जाए जो 4टा बंदर रही 4टा बंदर पर 1 नंबर विपद संकेत वर्तमान जारी कर मत्स्यजीवी मानक वार्निंग जारी करेतु
समय बढ़ुची एवं समय बढ़िबा सह समुद्र मध्ये अशांत होउची। समुद्र अशांत पई मत्स्यजीवी मानकु बारण करा जिछि समुद्र न जिबा पई एवं जो माने भी समुद्र जाइछन 9 तारिख सुधा फेरि आसबा पई मध्ये निर्देश दिया जिछि एवं 10 तारिख 11 तारिख 12 तारिख विपद किछि मात्रा रे होउची जेतु वर्षा हेबो वर्षा पई सतर्क रहिबार आवश्यकता रहिछि। जो घडघडी बिजुली सहित वर्षा एवं किछि जिल्ला रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा मध्ये होइ पारे बोली जहाँ वर्तमान रो ताजा अपडेट रहिछि। कविता जो कथा आपण कहते जे विशेष करी 10 तारीख 11 तारीख एवं 12 तारीख में बत्यार क्षमा करिबे जे वर्षार संभावना रोचे जेतु बात्या प्रभाव रोचे तेणु ये प्रभाव रे राज्य रे वर्षा जारी रहा प्रथम करी 10 तारीख में गंजाम गजपति एवं पुरी रे अत्यधिक मात्रा रे वर्षार संभावना रोचे पाणीपा विशेषज्ञ आकलन ता पूर्व मत्स्यजीवी को समुद्र मध्य फेरी आसवाप कह विशेषकर जो चारोटी बंदर रही एक नंबर विपद शंक जारी कर 9-11 पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र मध्य को नजबा को बारण कर प्रतिनिधि कविता आमको सूचना दौले विभिन्न स्थान प्रतिनिधि मैंने अच्छा गोपालपुर आम प्रतिनिधि प्रीतांबर नाक आम सहित अच्छा पूरी आम प्रतिनिधि कालुचरण साहू आम सहित अच्छा खूब शीघ्र गजपतिर आम प्रतिनिधि जितेन्द्र बारिक आम सहित जोड़े जेहतु ये सब जिला गुड़ी वार्निंग दि जाइए वर्षार परिमाण संग को पवन रात्रा अधिक रथम तो गोपालपुर नहीं चलुच्छे पीतांबर पाखक पीतांबर विशेष करी पाणीपाग विभाग जे आकलन जदियो बात्या विपद टळीची समुद्र मध्य बात्या अशानी रिकर्व करिजिबो किंतु प्रभाव कम से कम रहिबो अर्थात 10 तारीख 11 तारीख एवं 12 तारीख पर्यंत राज्य में वर्षा जारी विशेष करी 10 तारीख रे गंजाम गजपति पुरी रे प्रबल मात्रा रे वर्षा हेबो ये नहीं लोक केते भय देखुंट लोके केते सचेतन हेले चाषी भाई मध्य कौन रियाक्शन सामना को आसुच्छे विशेषकर लोक रियाक्शन कौन ये खबर शुणाप तबे आईआईएम नागपुर रे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वक्तव्य रखुचंती शासक नै चलछु कोर्स है मैं इसीलिए बधाई देता हूं। मैं अपेक्षा के साथ कह रहा हूं नागपुर आईआईएम आने वाले दिनों में जॉब क्रिएटर की कल्पना को लेके आगे जाएगा। मित्रों मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा। कौशलेंद्र कुमार करके एक नौजवान आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद एक बेमेंशी में काम करते हैं, लेकिन कुछ क्षण के बाद उनके मन में आया कि मेरे शिक्षा की उद्देश्य क्या है, क्या मेरे लिए है या समाज के लिए है। बिहार की नालंदा से आते हैं, नौकरी छोड़ के नालंदा लौटते हैं, छोटे छोटे सब्जी उगाने वाले लोगों को एकत्रित करके कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से आज एक बड़ा रिटेल चेन उन्होंने खड़ा किया है। शायद अहमदाबाद आईआईएम की श्रेष्ठता उसी में प्रतिपादित होती है। कौशलेंद्र कुमार के मन में एमएनसी से नालंदा की किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रेरणा उनको दिया होगा। ऐसे ही और एक व्यक्ति के बारे में आज अगर मैं चर्चा करूं, देश के जाने माने लेखक विशेष करके नई पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले अमित त्रिपाठी चाहते तो कोई एक बड़े कंपनी में सीईओ की पद में भी जा सकते थे। आईआईएम की विद्यार्थी है, उन्होंने उचित माना कि मैं भारत की पुराने परंपरा को साहित्य में कथा कहानी में आज की पीढ़ी की समझ के हिसाब से लिखूं और दुनिया को तैयार करूं, नई पीढ़ी को तैयार करूं। मित्रों आईआईएम की यह भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ मैं आपका अभी ब्रोशर देख रहा था, उसमें एक विषय है कितने प्लेसमेंट आपकी हो रही है। मित्रों मैं एक अपेक्षा लेके आए हूं, नई पीढ़ी को विशेष करके अपेक्षा रखता हूं, हमें एक मौलिक परिवर्तन करना पड़ेगा सोच में। हमारी सैलरी पैक कितना है, हमारी एनुअल इनकम कितना है, कितना तनख्वाह मिलता है, उसी सोच से हमें एक नई कल्पना लाना पड़ेगा। हमने कितने लोगों की तनख्वाह बांधने की योजना बनाई है, हमने कितने लोगों को रोजगारी देने की कल्पना किया। मित्रों आईआईएम में आपको विशेष मार्केटिंग के बारे में, फिनेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं नितिन
जी को पूछ रहा था, आपकी नागपुर की सबसे बड़ा बाजार क्या है? आपके वहां सीताबाड़ी बाजार सबसे बड़ा बाजार है, जहां हॉकर रहते होंगे, गर्मी के दिनों में ठंडाई बिक्री करते होंगे, जाड़े के दिनों में चाय बिक्री करते होंगे, सुबह एक कमोडिटी बिक्री करते होंगे, शाम को और एक कमोडिटी बिक्री करते होंगे। बड़े बड़े ब्रांड के लिए बड़े बड़े लोग कैंपेनिंग करते हैं, उनकी पीछे आईएएम की स्ट्रैटेजिस्ट काम करते हैं, लेकिन सीताबाड़ी में जो स्ट्रीट वेंडर है उसके पीछे कौन विज्ञापन करता है, कौन उसको स्ट्रैटेजी बताता है? लेकिन वो भी प्रॉफिट करता है। मैं अपेक्षा रखता हूं आईएएम अहमदाबाद भारत की एमएसएमई के बारे में, स्ट्रीट वेंडर के बारे में, सामान्य व्यवसाय के बारे में नई रणनीति बनाए, यही अपेक्षा हम सभी का आपके ऊपर है। आज देश में 25 करोड़ 15 से 25 आयु वर्ग के लोग हैं, जिनके लिए जिनमें से 11 करोड़ लोगों की पढ़ाई की प्रशिक्षण की व्यवस्था है, बाकी 14 करोड़ की ऐसे कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या हम सोच सकते हैं? मैं देखा आपकी दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप हुआ है। मैं एक दूसरा निवेदन कर रहा हूं, घर आज आपकी नई बस रही है, नई घर में नई संस्कार नई संस्कृति भी आती है। माननीय राष्ट्रपति जी ने देश की नौजवानों को, वर्तमान की पीढ़ी को एक आह्वान करते हैं, जो जिस संस्था में पढ़ा है उस संस्था के लिए कुछ चिंता करनी चाहिए, एल्यूमनी एसोसिएशन बना के एंडोमेंट फंड बनानी चाहिए। क्या आईआईएम नागपुर राष्ट्रपति जी को निमंत्रण तो किया है, लेकिन राष्ट्रपति जी के द्वारा आह्वान किया गया इस अनोखा जन आंदोलन में एक मिसाल खड़ा करेगा? मैं इसी अपेक्षा को आपके सामने रख रहा हूं। मैं दूसरा अपेक्षा रख रहा हूं, क्या आईआईएम नागपुर विदर्भ की सबसे पिछड़ा एक कॉलेज को, सबसे पिछड़ा एक स्कूल को अडॉप्ट करेगा? गर्मी की छुट्टी में वहां पढ़ाने के लिए यहां के विद्यार्थी जाएंगे? कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रशिक्षण देने के लिए जाएंगे? भाषा आधारित प्रशिक्षण देने के लिए जाएंगे? उनको भी लगेगा, उनको आईआईएम नागपुर बुला के साल में 15 दिन रखेंगे, तब जाके सुदूर गढ़ चिरौली की आदिवासी नौजवान के मन में आईआईएम में पढ़ने की भी प्रेरणा आएगा और आईआईएम की बेनिफिट भी उनको मिलेगा। अगर ऐसा कुछ संकल्पन आज हम कर पाएंगे, अपने नए भवन की उद्घाटन उस समय एक नई संस्कृति समाज को देने के लिए, समाज की जिम्मेवारी लेने के लिए, आजादी का आज हम अमृत काल मना रहे हैं, 75 साल में हम लोगों ने अधिकार तो जताया, जिम्मेवारी के बारे में हम उतने ही जागरूकता के साथ सोचना चाहिए। आज एक नई संस्कृति आईआईएम नागपुर देश के सामने खड़ा करे, जिम्मेवारी लेने की संस्कृति खड़ा करे। आज की शुभ अवसर पे पुनः माननीय राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करते हुए, मंचस्थ सभी नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए, भारत सरकार की ओर से मैं सभी को बधाई देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। तो वर्षा विपद जहाँ आम आलोचना करछती, बात्या विपद जदिव टळीछि किंतु वर्षा को नहीं एबे भी भय रही है, जेहेतु कहुच्छे पानीपाग विभाग पक्षर 10, 11 और 12 तीन दिन धरी राज्य में वर्षा जारी रबल मात्रा वर्षा हो, पवन मात्रा रहीपे। सीधा सख नहीं गोपालपुर आम प्रतिनिधि पीतांबर नाहक आम सहित जोड़ी लगातार भाव। पीतांबर बर्तमान समय जहाँ पानीपाग विभाग आकलन जहाँ रिपोर्टर कविता स्वयं को सूचना दौले 10 तारीख में विशेषकर गंजाम गजपति पुरी ये तीनोटि जिले अधिक मात्रा रे वर्षा हो पारे, ये नहीं लोकों को रिएक्शन कौन देखुं, लोकों मध्य केते भय रही, लोके केते सचेतन अच्छा जेहेतु वर्षार मात्रा अधिक र।
तेबे वर्षार मात्रा बढ़ी पारे जहाँ पानीपाग विभाग आकलन 10 रु 12 तारीख विशेषकर 10, 11 और 12 तीन दिन धरी राज्य में वर्षार मात्रा अधिक लगातार भाव पीतांबर नायक अच्छा आम प्रतिनिधि गोपालपुर रु पीतांबर जहाँ जदि आप शुचार जानवाक चाहिए जे जो वर्तमान समय वर्षा को नहीं आतंक देखा मिली अर्थात वर्षा को नहीं भय लोकों मध्य रही जेहेतु चाषी भाई चिंतित होगा स्वाभाविक कहीं बात्या विपद जदिव टलुचे जहाँ पापाग विभाग आकलन जहाँ पापाग विभाग पक्षर सूचना रोचे बात्या जदिव रिकर्ड कर वर्षार मात्रा रेहेतु बात्या जदिव स्थलभाग छुईबनी ओडिशा उपकूल मुहाँ हेबनी कितु वर्षा रही है जेहेतु बात्यार प्रभाव टिके मात्रा रे पड़िबो एवं जो 10, 11, 12 तीन दिन धरी निर्दिष्ट भाव पानीपाग विभाग पक्षर जो कथा कहुच्छे तीन दिन राज्य में वर्षा जारी रहा विशेषकर उपकूलवर्ती जिलागुड़िक वर्षार परिमाण अधिक रस तारीख में गंजाम गजपति और पुरी ए तीनोट जिले में अधिक मात्रा वर्षा रवन हो पाए जो चाषी भाई माने सचेतन हेले आम ये चित्र देखी जे वर्षा को नहीं भयभीत थी धान न पचुणु चाषी भाई माने काटी एवं जो बंदर गुड़िक रही है जो चारोटी बंदर रही से बंदर गुड़ी को एक नंबर संकेत दि जाए जो विशेषकर मत्स्यजीवी मैंने समुद्र मध्य जाए से आसवाई बारंबार पापाग विभाग पक्षर कह 9 रु 11 पर्यंत मत्स्यजीवी को विशेषकर समुद्र मध्य जावाक बारण करी भी कहीं जाइंट तेज 8 तारीख सका सुधा आसवाई जहाँ पूर्व कहला 10 तारीख सन्धार यह उत्तर आंध्र प्रदेश और ओडिशा निकट समुद्र में पहुंचे उत्तर पश्चिम बंगोपसगर में बात्या रिकर्ड कर जहाँ बात्यार ना रही अशानी अशानी प्रभाव कौन प्रकार ओडिशा उपरे पड़ब ना अर्थात ओडिशा उपकूल छुईब ना अर्थात न भी पारे तेणु बात्या जो बड़े पा भितर रही है अधिक शक्तिशाली रही है तेणु जहाँ आकलन केवल कर अनुमान कर ये उपकूल छुईब ना अर्थात समांतरल भाव समुद्र पतन ठारू ये समांतरल भाव जीव तेणु ओडिशा उपकूल छुईबार संभावना वर्तमान पर्यंत ना जो जो कथा मुझे तीनोट जिला विशेषकर 10 तारीख कथा जो देखा जाए पुरी गजपति गंजाम ये तीनोट जिला विशेष भाव वार्निंग रही आम सहित पुरी रु आम प्रतिनिधि कालुचरण साहू अच्छा कालुचरण 10 तारीख में तीनोट जिला वार्निंग विशेषकर पानीपाग विभाग जहाँ निर्दिष्ट भाव सूचना रही 10, 11, 12 राज्य में वर्षा अधिक मात्रा रे चाषी भाई मैंने केते भयभीत उपकूलवर्ती जिलागुड़िक जो मैंने लोक रही कहीं प्रति वर्ष से मैंने बात्या बनिया को सामना कर लोकों मध्य प्रतिक्रिया कौन वर्षा को नहीं निश्चित भाव नवेदिता देखूँ जिते पानीपाग विभाग पक्षर गोटे पर गोटे बुलेटिन विभिन्न गोटे पर गोटे तथ्य सामना को आसूसी कारण कहीं जदि बात्या अशानी जो एत प्रभाव पड़े ना कि सामान्य पवन रेग रही पाए कि वर्षा हबार संभावना है 10, 11, 12 अर्थात तीन दिन धरी लगातार प्रबल वर्षा हे ये आशंका प्रकाश पाँच पानीपाग विभाग पक्ष ए खबर सामना को आसूसी ए खबर पाइबापर विशेष भाव में पूरी जिला लोके भयभीत अवस्था कारण कहीं देखूँ बात्या पवन द्वारा तो क्षतिग्रस्त हमें लोके कि वर्षा द्वारा विशेष भाव में सब चाषी मैंने ही प्रभावित हे एवं जो खालुआ अंचल रोकवा लोक मैंने जलबंदी होनेक संभावना रही है कारण अति निकट में फनी बात्या को देखी कड़ा रूप देखी फनी बात्यार होता वर्षार अनेक जलबंदी होता बस्ती गुड़िक तेज आम अच्छे एवं पूरी सहर अति निकट रही जो धवाखाल बस्ती है आपको प्रथम भिड जर्नाल कह चित्र देखा ये हूँ धवाखाल बस्ती जो असराय वर्षा अंटे अंटे पा हुए लोके कौटि ना क्योंकि कलबल भाव जीवन जापन करती एठिका रोकवा बस्ती बासिंदा मान घर होना क्यों टंबू कुड़िया घर आप घर चित्र नवेदिता देखुवे एम घर हूँ समुद्र अति निकट में बस्ती टी रही है पवन 40 कि 50 हो कितु एम छपर उड़ी ए कथा सुनिश्चित अपर पक्षे जो वर्षा हबार संभावना अच्छे जेहतु अधिक अति प्रबल वर्षा हम ए क्योंकि ये अंचल पूरा जलमग्न हमारे आशंका अच्छे जदि आगे जो वर्षा आसूचे जदि अधिक वर्षा हुए केते पानी हो बोली आशंका करा जाय पारे पानी पूरा दी लोक बुड़ीला एते पानी आसुची समगरारु सब जंगल पानी सब एपट को आसुची आमे पिल्ला मन धरी करी मेन रोड रे ठिया आउचो के पुलिस आसुची गुडौची के चोर आसुची गुडौची के भलो लोक आसुचे गुडौचंती कोचंत रास्ता रे बात्या पई बात्या प्रभाव जो वर्षा हो एथि पई प्रस्तुत आपन हेलेनी केबिती उपर को जीवा उच्च स्थान को जीवा व्यवस्था किछ कोलेनी किछि नाय आमे खाली देखु छी से रोड रोड ऊपर जा ठिया आबु सेति के वर्षा आसले रोड ऊपर पड़ेबे रोड ऊपर पड़ेबे आउ किछि विकल्प व्यवस्था किछि किछि नाय मा वास्तव में वर्षा आसले केवल रोड ही भरोसा आउ किछि विकल्प व्यवस्था नाय आउ किछि भरोसा नाय खाली भिक मागिला ओले से रोड रे खंडिया नके लुगा बांधि देबु जरी खंडिया पकेइ देबु सेइ भिक मागिला ओले पड़ि छी एबे जो बात्या असानिर प्रभाव रे वर्षा हबा
ଆଜ୍ଞା ସାମାନ୍ୟ ପବନ ହୋଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ କେମିତି ହେଲୁନି? ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଠି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ସହଯୋଗ ହାତ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ। ଏ ଝୁପୁଡ଼ି କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ହେଇକିରି ଦିନ ମୂଲିଆ ହିସାବରେ। ବସ୍ତିରେ କେତେ ଲୋକେ କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି? ବସ୍ତି ଭିତରେ ତିନିଟାକ ବସ୍ତି ଭିତରେ ଯାହା ହେଲେ ବି 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଲୋକ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ 5000 ପ୍ଲସ ଲୋକ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅତି ନିକଟରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତିଟା ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼େନି? ବର୍ଷାକୁ ନେଇ କାଳୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ନାହିଁ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେମାନେ ରହିବେ କେମିତି, ଘରୁ ପାଣି ଗଳିବ। ଆମ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ପୀତାମ୍ବର, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି 10 ତାରିଖରେ ବିଶେଷ କରି 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ପବନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଗୋପାଳପୁରରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ, ଲୋକେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ କେତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଲାଗୁଛି, ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଡଙ୍ଗାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କୂଳରେ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3ଟି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳପୁରକୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତିକି ବି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନେ କେମିତି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନ ରହିବେ ୟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବେ, ଏ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ମଉସା, ଏବେ ସମୁଦ୍ର କିଛି ଅଶାନ୍ତି ହେଲାଣି ନା କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର କିଛି ଅଶାନ୍ତ ହେଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ଅଶାନ୍ତ ଅଛି କେବେଠୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁନି। କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏବେ କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ? ଖରାପ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଗକୁ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ବୋଲି ହବ ବୋଲି କିଛି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଖରାପ କହିଛନ୍ତି ଭାବୁନି, କେବେ ହବ ଆପଣ ଦେଖ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ବାହାରକୁ ଆସିଲେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ହବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସମୁଦ୍ର କେଉଁ ପଟକୁ ଖରାପ ହେଉଛି, କେଉଁ ପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଶହ ଶହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ କେମିତି ଯେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିକି ଆସିବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ନିବେଦିତା ନିହାତି, ଯେହେତୁ ପୀତାମ୍ବର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ 8 ତାରିଖ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ରିକର୍ଭ କରିବ ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ହିଁ ପୁରା ଘଟଣା ଘଟିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି 9ରୁ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କେମିତି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନଯିବେ, ଆଉ ଯଦି ବି କେହି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ବାରମ୍ବାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଗୋପାଳପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ସହିତ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଖବର ବାବଦରେ ଆମକୁ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍କୁ ଏଇଟୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।